हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, कहीं रुकावट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ कहीं रुक गई है। तो आज हम इसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैंने दो पाइल्स में डिवाइड की है, आप देख सकते हैं। पहले पाइल में है चेंज का कार्ड और दूसरे पाइल में है एक्सेप्टेंस का कार्ड। तो आपको कोई एक पाइल जो है इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और फिर हम देखेंगे कि आपके लाइफ में जो है ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, या फिर आप सक्सेस क्यों नहीं आपको मिल रही है, आप लगातार मेहनत कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका लव लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कार्ड, तो मैं टाइम स्टैम्प पे आपका बर्थ डेट भी मेंशन कर दूंगी। तो आपका बर्थडे जिस डे पे भी आता है, वो जिस पे पाइल में होगा, आप उस पाइल को देखकर रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए आपका बर्थडे किसी महीने के 15 तारीख को आता है, तो जिस पाइल में भी 15 होगा, आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग शुरू करने से पहले एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से, चेंज। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 या फिर जो टाइम स्टैम्प पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, अगर वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस मेजर अरकाना कार्ड से कि क्या है आपके ग्रोथ ना होने का कारण, क्या कुछ ऐसी बात है जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल बन रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने तो मेहनत भरपूर की है बट मुझे उसका आउटकम नहीं मिल रहा, किस चीज़ में आपकी लाइफ स्टक है, क्या है वो रीज़न। ऑलराइट, चलिए हम देखते हैं कार्ड्स क्या है जो आपके लाइफ में बन रही है आपके लिए ऑब्स्टेकल्स। ऑलराइट, हर्मिट, साथ में आया है वर्ल्ड का कार्ड और यहां से आया है टेम्परेंस। ओके, अब हम टैरो से कुछ कार्ड्स निकालेंगे फिर मैं रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। ओके, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट, we have 10 of wands, king of cups, all right, 3 of pentacles, 3 of cups ke saath we have the magician and we have page of pentacles, all right, aur yahan se aaya hai 2 of pentacles ka card, all right। तो हमारा जो सवाल था आज के इस रीडिंग में कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, आपको वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो साइन और एलिमेंट आए हैं मैं बता देना चाहती हूँ। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ साइन और एलिमेंट हैं जो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, बट हम ये रीडिंग जो है वो आपके बर्थ डेट के हिसाब से कर रहे हैं तो हम इस पर एम्फेसाइज करते हैं। देखिए पाइल वन, सबसे पहला जो मुझे मैसेज आपके लिए ये आ रहा है वो ये है ना कि आप जो हैं, आप जैसे भी पर्सन हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपकी एनर्जी जो है वो बात करती है कि आप बहुत चुप रहते हैं। ये मुझे सबसे पहला मैसेज आ रहा है, आप ज़्यादा बात नहीं करते, आपको ज़्यादा इंटरेक्शंस पसंद नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि अपने आप में रिजर्व रहना ही ठीक है। आप अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हर चीज़, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क लाइफ हो, ये कोई एक कारण है जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली
कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो पहला यहाँ पे मुझे एक और जो मैसेज पहले आ रहा है वो ये है कि अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, तो जब भी आप किसी को पसंद करते हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे जो होता है आपके रिलेशनशिप में वो ये है कि सामने वाला जो भी आपके साथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होता है, उसके कंपैरिजन में आप इंट्रोवर्ट हो। ऐसा भी लगता है कि आपको अच्छा लगता है गेट टुगेदर, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए अच्छा लगता है, या फिर आप थोड़ा रिजर्व रहना ज़्यादा पसंद करते हो। ऑल्दो आप एंटी सोशल नहीं हो, बट आपको अपनी एनर्जी रिजर्व रखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप को लेकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप ये रिलेशनशिप को लेकर दिख रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस तो आते हैं, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आती है, बस प्रॉब्लम ये है ना कहीं जो आपका चाकरा है वो बैलेंस नहीं है। यानी कि हमारी बॉडी में दोनों चीज़, यानी कि फेमिनिन साइड और मेल साइड बैलेंस होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी जो है इतना ज़्यादा रिजर्व रखते हो, इतना ज़्यादा अपने आप में ही चीज़ों को करना चाहते हो ना, कि लोग आपकी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। कभी कभी आप या तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर देते हो, वो भी लोगों को अजीब लगता है, और कभी कभी आपका रिएक्शन बिल्कुल भी ज़ीरो होता है, तो लोगों को उसमें भी लगता है कि अरे आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ पे अगर मैं आपके वर्क और करियर की बात करूँ, तो आपके वर्क और करियर में आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट वो सही जगह पर नहीं जा रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप जिससे गाइडेंस लेते हो, या फिर आप जिनको अपना दोस्त समझते हो, या फिर आप जिनसे भी अपने वर्क और करियर को लेकर लेते हो ना, वो शायद प्रैक्टिकली आपके काम को, या फिर आप जो भी बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उसमें वो आपको सही ओपिनियन नहीं दे पा रहे। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मेहनत तो आपकी पूरी लग रही है, आपका पूरा एफर्ट भी जा रहा है, बट वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि लोग आपके काम को नहीं समझ पा रहे हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी मुझे लग रही है कि आप जिन्हें लव लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, वो पर्सन आ तो जाते हैं आपके लाइफ में, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिन ये रिलेशनशिप चलता है, या फिर कुछ महीने चलता है, फिर आप दोनों सेपरेट हो जाते हो। ऑलराइट, तो या तो काम वाला जो आपका फेज है, यानी कि वर्क लाइफ जो है उसमें बैलेंस करने के चक्कर में आपका लव लाइफ डाउन हो जाता है, या फिर कभी कभी आप लव लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो तो आपका करियर में प्रॉब्लम आता है। तो जो बैलेंस वाली चीज है ना, वो नहीं बन पाती। यहां से भी आपके लिए बॉटम से कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब ये है कि आप जो है बैलेंस नहीं कर पाते हो चीजों को। यहाँ पे एक और चीज मुझे नजर आ रही है कि जो लोग मान लीजिए जॉब करने वाले हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, बट आउटकम नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो है सबसे मेजर जो यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड आया है, हमारा टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ से बॉटम से, तो ये कार्ड भी बात करता है कि कहीं ना कहीं जो है बैलेंस की कमी है। कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में हो, या फिर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो। तो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप बात करना सीखे। आपको ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप बात नहीं करते, या फिर आपको बात करना नहीं आता, आप कम इंटरैक्ट करते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पहले तो आप इंटरैक्ट करना सीखे। लोगों पर मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज भी होते होंगे, तो बोला जा रहा है पहले बात करें, बातों को समझने की कोशिश करें। आप ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पे भी एनर्जी दे रहे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क लाइफ हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज देते हो। तो ये मैसेज भी आपके लिए आ रहा है कि इतना एफर्ट डालने से पहले समझ ले कि वो पर्सन या फिर वो सिचुएशन क्या मांग रहा है आपसे। हो सकता है आप किसी गलत चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी को दे रहे हो, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तो वर्क कर रही है और फिर वो वेस्ट हो जा रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ से आ रहा है कि मेहनत कीजिए, पर
सोच समझ कर अपने एफर्ट्स चीजों पर डालिए जहां उसकी जरूरत है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी अच्छे मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपके लाइफ में जो है बैलेंस वाली चीज आएगी। ऑलराइट, अभी मुझे जो भी लग रहा है आपका, चाहे वर्क लाइफ हो या चाहे आपका लव लाइफ हो, मुझे दोनों में ही लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता, थर्ड पार्टी काम हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। तो हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आना चाहते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैं आपके वर्क और करियर की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, बट आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यही आपके लिए सबसे पहला सजेशन है कि मेहनत तो आप करो, डेफिनेटली करो, बट अपने एनर्जीज को ना वेस्ट मत करो, समझने की कोशिश करो। अगर खुद से समझ में नहीं आती, किसी से हेल्प लो और जानो कि ये एनर्जी जो है मैं जिस भी काम पे दे रहा हूँ, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका वर्क और करियर हो, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी आपके अच्छे दोस्त होंगे, जिन्हें आप पर भरोसा है और जिनको आप भी भरोसा करते हो सकता है वो 100 दोस्त नहीं होंगे, कोई एक ही होगा, तो आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। तो आपको जो है एक लाइफ का डायरेक्शन भी दिखेगा। और मुझे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है ना कि चाक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो चाक्रास है ना वो बैलेंस नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा आप घबरा जाते हो डिसीजन लेते वक्त, या फिर ऐसा भी होता है कि नर्वसनेस की वजह से आप कभी कभी काम को अधूरा छोड़कर भी चले जाते हो कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो पाता। लव लाइफ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत थर्ड पार्टी इश्यूज हुए हैं आपके साथ। लव लाइफ में ऐसा भी लग रहा है कि आपने जितनी बार भी दिल लगाने की कोशिश की, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पाया, और कहीं ना कहीं वो पर्सन हमेशा आपकी लाइफ से चला ही गया है, स्टेबल नहीं है आपकी लव लाइफ। तो मुझे और वर्क और करियर के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा मेहनत, जरूरत से ज्यादा एफर्ट आप दे रहे हो, बट आउटकम नहीं मिल रहा है। तो आपकी एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा एफर्ट लग रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि एफर्ट लगाने से पहले चीजों को समझने की कोशिश करें। ऑलराइट, हम और यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं कि और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। स्ट्रैटेजी, गॉडेस ऑफ द मून, हाँ जैसे कि मैंने बोला ही था आपको, एंड यिंग एंड यांग, बिल्कुल एनर्जीज मैंने बात भी की थी। देखिए रीडिंग कितना रेजोनेट करता है, यहाँ पे बैलेंस का ही कार्ड आया है, यिंग एंड यांग आया है, और ये बात करता है चाक्रा बैलेंस की। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी किस्मत में है, जो आप डिजर्व करते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, चाहे लव लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपके लिए डेस्टाइन चीजें हैं। बट कहीं ना कहीं कोई भी डिसीजन लेते वक्त, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको बोलना पड़े, आपको डिसाइड करना पड़े, तो आप इमोशनल ज्यादा हो जाते हो, लॉजिकली नहीं सोचते हो। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि चाक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, वरना आप हमेशा ऐसे ना स्टक सिचुएशन में रह जाओगे और जो आउटकम आप ढूंढ पा रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाती हूँ। देखिए आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी कि अबंडेंस तो है आपके लाइफ में, क्योंकि आप मेहनत करते हो, आप गलत नहीं हो, आपके एफर्ट्स भी सही रहते हैं, बस वो थोड़े गलत जगह पर लग रहे, यानी कि जरूरत से ज्यादा आप वहां पे एनर्जी लगा रहे हो जहां पे उसकी शायद इतनी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स टैरो से देख लेते हैं और देखते हैं कि आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कहां पे सही एफर्ट लगाने से, या फिर क्या ऐसा आप कर सकते हो जिससे चीजें सही रहे। तो मैंने आपको बताया कि आप किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हो, हो सकता है आपके काउंटिंग में बहुत सारे फ्रेंड हो, बट आपको पता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन हैं। आपके कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जिनके साथ आप ये चीजें डिस्कस करते हो, जो आपको पता है कि आपको सही गाइड करेंगे, तो आपको उनसे डेफिनेटली एक मदद लेने की जरूरत तो है। ऑलराइट, यहां से आया है एम्प्रेस का कार्ड, यहां से आया है डेविल, एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, और यहां से आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये मुझे बता रहा है कि आने वाले टाइम में, यानी कि
आने वाले कुछ दिनों में ऐसा तो हो सकता है कि हाँ आप अपनी चीज़ों पर काम करो। आप अगर लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो कि आप क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे, तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो नए रिलेशनशिप में आने वाले हैं। हो सकता है आप अभी ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, किसी को पसंद कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी उनसे कनेक्शन जुड़ जाए। बट मुझे ये लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी, आपकी इमोशंस हमेशा बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं आप पर। तो आपको जो है अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने चाक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ना आप चीज़ों को पहले समझना सीखिए, ठीक है। चुप रहना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें मेरी लाइफ में भी हमेशा सही होती है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। तो जब भी आप किसी सिचुएशन को लेकर आपको ऐसा लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा वक्त ले लें, चीज़ों को एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप अपने एफर्ट्स को डालोगे तो डेफिनेटली आपके वर्क और करियर में ग्रोथ है, आपके लव लाइफ में ग्रोथ है, और अबंडेंस तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। और ये चक्रा भी आपके फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बैलेंस होने वाला है। आपके लिए एक और जो मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें भी सक्सेस के चांसेस हैं, बट तब है जब आप चीज़ों को समझ के उस पर एक्ट करें। ऐसा कुछ ना करें कि आप अपनी पूरी एफर्ट डाल रहे हो बट उसका आउटकम आपको नहीं मिल रहा। ऑलराइट, तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल टू, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है एक्सेप्टेंस का कार्ड या फिर जो नंबर्स दिए गए हैं आपके बर्थ डेट के पाइल में, तो अगर वो है आपका, तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही, या फिर आपकी एनर्जी स्टक है, और ये क्या कहना चाहते हैं आपको डिवाइन। ऑलराइट, कहाँ पे जो है एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं बट आपको आउटकम नहीं मिल रहा। लेट्स चेक आउट। ऑलराइट, मून जस्टिस। ओके, यहां से आया है लवर्स का कार्ड। अब हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं टरो से, फिर हम अपनी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। फाइव टू, क्या है यूनिवर्स, क्या प्रॉब्लम है, गाइड अस। फाइव टू, ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। दो दो एसेस के कार्ड आ गए आपके लिए पाइल टू। वी हैव टेम्परेंस एज वेल। Very nice. All right. यहां से आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड साथ में आ गए, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव जजमेंट, जस्टिस भी और जजमेंट भी, क्या बात है पाइल टू। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम से आया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। ऑलराइट, पाइल नंबर टू। तो यहाँ पे पहले मैं साइन और एलिमेंट की बात करूँ, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है, लीब्रा की स्ट्रांग है, पाइसीज है यहाँ पे, यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस है, यहाँ पे एक्वेरियस लीब्रा जेमिनी के भी लोग है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज भी है, यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रांग है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पे सारे के सारे साइन और एलिमेंट मौजूद है। ऑलराइट पाइल टू, तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या है जो आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि आपको रोक रही है। देखिए, मुझे सबसे पहला जो मैसेज चैनल हो रहा है इन कार्ड्स को देखकर,
वो ये हो रहा है ना कि जब भी आपके लाइफ में कोई सिचुएशन आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम से आपको डील करना है ना, तो आपको जो आपके अंदर जो चीज़ें चलती है वो ये है ना कि आप लॉजिकली नहीं सोचते आप, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ आप लॉजिक लगाते हैं और जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ आप इमोशंस लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, या तो आप बहुत सीधी बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, आपको जो लगता है सही वही आप बोल देते हैं, आप अचानक से फैसले ले लेते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपने सोच लिया बस यही फाइनल हो गया और आपने डिसीजन ले लिया, आप या तो किसी से भी यू नो कंसल्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपको पता है माने सही है, आप ये भी नहीं देखते कि क्या वो सामने वाले को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। इस कारण से जो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस तो आती है, सक्सेस आपके दरवाजे तक डेफिनेटली आती है, बट वो बहुत जल्दी लौट भी जाती है क्योंकि आप उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लिकर करता है, कभी आपको कुछ सही लगता है कभी आपको कुछ और सही लगता है, तो आप एक जगह नहीं हो पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और आपका माइंड जो है पाइल नंबर टू हमेशा एक्टिव रहता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, मतलब आंखें खुली नींद से तो आप सोच रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग तो सोते सोते भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि लव लाइफ में भी आपको बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी पर्सन रहे हैं आप उनके साथ अभी तक शायद एंड अप नहीं कर पाए हो, जिनके साथ भी आपने सोचा था कि ये आपके यू नो वो पार्टनर है जिनके साथ आप शादी करोगे या फिर जिनके साथ भी आपको घर बसाना है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि आप या तो उस पर्सन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो कि इस पर्सन को तो पता है मैं कैसा हूँ, ये पर्सन तो जानता ही है मैं कैसा हूँ, इस पर्सन को तो पता ही है मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको लग रहा है कि उनको पता है। क्या आपने उनसे पूछा कि डू यू नो दिस इज़ द प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन को लेकर भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, स्पेशली जो लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लव में सक्सेस इसीलिए नहीं है क्योंकि आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो, सामने वाले को लेकर बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, हो सकता है वो पर्सन उतना मैच्योर ना हो या फिर वो पर्सन उतना ज़्यादा ना सोचता हो जिस वे में आप उसे देखते हो। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आया है, अगर मैं आपके वर्क और करियर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वर्क और करियर तो सही चल रहा है बट आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है। जो भी आपका वर्क और करियर है, चाहे आपका बिजनेस है या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे ग्रोथ तो है, आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए सक्सेस भी है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे कर लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पता नहीं मैं अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा, जबकि मुझे लग रहा है कि आप एफर्ट भी सही डाल रहे हो। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे आप सेपरेशन में आए हो या फिर किसी पर्सन से अलग हुए हो, किसी रिलेशनशिप में अलग हुए हो, तो अगर आप बैठे हो किसी कार्मिक रिवॉर्ड के लिए या फिर अगर आप बैठे हो कि नहीं उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, वो पर्सन मेरे लाइफ से चले गए, तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए या फिर उसने मेरे साथ गलत किया तो गलत होना चाहिए, आपको बोला जा रहा है ये आपके सोचने का काम नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ, मैं फिर से बता दूँ, आपको ये बोला जा रहा है कि ये आपका काम नहीं है सोचना कि आपके उस पर्सन ने आपके साथ सही किया या नहीं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें पता है कि आप जो भी करते हो सच्चे दिल से करते हो और कोई गलत भावना नहीं रहती है आपके, फिर भी अगर आपके लाइफ से पर्सन चले जाते हैं, आपको लोग धोखा दे देते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि जो कार्मा है वो बहुत बड़ी चीज़ है और उसे जब किसी इंसान के लाइफ में आना होता है ना, वो पूछ के नहीं आता। ऑलराइट, तो अगर कुछ अच्छा भी चलता है ना, तो अगर कार्मा हमारे सही नहीं हो तो अच्छा होते होते भी बुरा हो जाता है, और अगर हमारे कार्मा सच में अच्छे हो तो कुछ अच्छा होते होते बुरा होता है तो बुरा होते होते भी अच्छा होता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, चाहे अगर कोई आपके साथ कुछ गलत किया हो, कोई आपको पास्ट में धोखा दे के गया हो या फिर आपने अपनी एनर्जी किसी पर्सन पे पूरी लगाई हो, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अगर आपको यू नो स्टक एनर्जी में छोड़ के गया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आप अपना जो फोकस है वो डेफिनेटली अपने वर्क और करियर पर कीजिए, क्योंकि आपकी जो सोच है, मैंने बोला ना आप सोचते सही हो
बट जहाँ पे इमोशनल होना होता है वहाँ लॉजिकल हो जाते हो, जहाँ लॉजिकल होना होता है वहाँ इमोशनल हो जाते हो, माने कि जहाँ दिमाग से सोचना होता है वहाँ दिल से सोचते हो और जहाँ दिल से सोचनी चाहिए वहाँ दिमाग से सोचते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है हो सकता है अपने लव लाइफ से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, उनको अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर्सनल लाइफ हो सकता है आपकी सही चल रही है, थोड़े बहुत इश्यूज तो होते ही रहते हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप एक्स्ट्रोवर्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। ऐसा लगता है कि आपको बात करना पसंद है, एक्स्ट्रोवर्ट माने ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, ये गलत नहीं है, सबका अपना नेचर होता है, माने कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद है, आप सजा के बात नहीं कर सकते, आपको जो समझ में आता है, आपको जो लगता है बोलना चाहिए आप वैसे बोल देते हो, आप ये नहीं समझते कि सामने वाला क्या सोच रहा है या समझ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करें और फिर बातों को रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बात से ही सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं, आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला किस हिसाब से उसको रिसीव कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है डिसीट का, वी हैव कम्युनिटी एंड वी हैव एंजाइटी। मैंने बोला भी था कि हो सकता है कुछ लोगों को रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम हो, और रिलेशनशिप माने ये भी होता है कि हो सकता है आपका पास्ट में सेपरेशन हुआ हो कुछ लोगों का, मुझे लग रहा है डिवोर्स भी हुआ है कुछ लोगों को, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल आपका सेपरेशन हुआ है जिसे आप किसी के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली हो गई है। मतलब पहले आप इतने गुस्सा नहीं करते थे या फिर आपके इतने एंगर इश्यूज़ नहीं थे, तो अभी आपकी तबीयत भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी रहती है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, लॉजिकली ही चीज़ों को हर चीज़ करना चाहते हो, इमोशंस तो जैसे ख़त्म ही हो गए। तो आपको बोला जा रहा है ना कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी लगनी चाहिए मैस्कुलिन होनी चाहिए, जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी से सोचने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ को ऐसे ना ले ले कि अगर वो गलत हुआ है, अगर उसने गलत किया है तो अब मेरी बारी है, मैं भी गलत करूँगा, मैं भी ये मैं भी वो, नहीं, वो आपका काम नहीं है। आई नो दर्द होता है, दुख होता है किसी पर्सन से अगर हम अलग होते हैं या फिर कोई अगर हमें धोखा देता है, चाहे वर्क हो चाहे कुछ भी हो, अगर हमें कोई धोखा दे या फिर अगर आप जिन्हें अपना मानते हो वो अगर आपको धोखा दे तो बहुत बुरा लगता है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि वो आपका काम नहीं है। ऑलराइट, आपको जस्टिस मिलेगा या फिर आपके साथ जो भी जजमेंट होगा क्या होगा नहीं होगा वो आप मत सोचें। आपको दुख हुआ, शायद वो आपका कार्मिक कुछ था जो आपके पास से आया था, जो आपको सीखने की ज़रूरत थी, अगर आपने वो सीख लिया है, अगर आपने उससे लेसन ले लिया है, अब आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ने से ही चीज़ें सॉल्व होती है। अगर आप एक एनर्जी में रह जाओगे, स्टक रह जाओगे और सोचोगे कि नहीं अब तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, अब तो मैंने ये वो, मत सोचें, अपने ध्यान को आगे की तरफ ले जाए, आप और क्या अच्छा कर सकते हो, वर्क और करियर में क्या अच्छा हो सकता है, और क्या नए रास्ते हो सकते हैं, नए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अपनी अगर आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई पैशन है, उसके तरफ ध्यान दें। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट की एनर्जी को सोचना, स्पेशली मुझे लग रहा है जब भी मून साइकिल चेंज होता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, न्यू मून फुल मून अगर कभी भी ऐसी एनर्जीज जब चेंज होती है, जब भी हमारा हर महीने ये साइकिल्स चेंज होते हैं, तब आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, या तो एकदम रोते हो, या फिर एकदम डाउन डिप्रेस, मतलब अजीब सा ही रहता है आपका। तो चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, लेट्स फाइंड आउट। आपके लिए फिर से आया है नाइन ऑफ कप्स। ऑलराइट, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो वी हैव अ पेयर हियर, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द लवर्स अगेन, यहाँ पे भी लवर्स है, यहाँ पे भी लवर्स है। ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, वर्ल्ड, नाइन ऑफ वंड्स, जस्टिस। ऑलराइट,
ओके पाइल टू, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को जो है, अगर आप रिलेशन के लिए देख रहे हो कि आप रिलेशन में क्यों नहीं सक्सेस हो, तो बोला जा रहा है आपको कि आपको कोई आपके ही जैसा ट्विन फ्लेम जो है मिलने वाला है आपके वर्क और करियर के रास्ते में ही, यानी कि आप जहाँ काम करते हो या फिर जरूरी नहीं है आपके ऑफिस में ही मिले, हो सकता है कोई पास्ट के कलीग हो, कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं तो जिनके साथ आप फ्यूचर में भी वर्क कर सको, काम कर सको, जिनके साथ कुछ हो सके, तो ऐसे पर्सन से आपका जो है कनेक्शन बनने वाला है आने वाले टाइम में, और वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड है। मुझे आप पे 70-80% लोगों के लिए लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा और आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ोगे और बहुत ही ज़्यादा वो डेस्टाइंड रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी, उनको भी, हो सकता है वो आपको वर्क और करियर में मदद करे ग्रो करने में, या फिर वो आपको मदद करे चीज़ों को समझाने में। आपकी इमीडिएट कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं जो शायद आप ही के फील्ड में हो बट वो बहुत दिनों से काम कर रहे हो, तो आपको इस एरिया से मदद मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम और आप अपने करियर के तरफ बिताओगे, तो आप जितना फोकस आप अपने वर्क और करियर पे करोगे उतनी चीज़ें आपके लाइफ में स्मूथ होगी। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, माने कि आप, हो सकता है अपने शहर से दूसरे शहर में जॉब देख रहे हो, कुछ लोग देश से बाहर जाने की भी सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके लाइफ में प्रोसेस होंगी। जो लोग ऐसा देख रहे हैं कि वो यहाँ से बाहर जाके काम करना चाहते हैं, माने कि अपना देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपने करियर को ट्राई करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आपके लिए भी टाइम आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इसे पूरा होने में अभी नेक्स्ट 2-3 months लगेंगे और 2-3 महीनों में आपका ये विश पूरा हो जाएगा। अगर आप पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो मैंने डेफिनेटली बोला कि जो आपकी एनर्जी है ना, बिल्कुल सेम एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। ऑलराइट, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वैसा ही पार्टनर आ रहा है, बिल्कुल ही वैसा। अगर आप बहुत ज़्यादा शाय हो तो बिल्कुल ही वैसा पार्टनर आ रहा है, तो बिल्कुल आपकी एनर्जी उनसे बहुत ज़्यादा मैच करेगी। और जो पास्ट का आप दर्द जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो पास्ट की एनर्जी आपने दबा के रखी है और आपको लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि बार बार जस्टिस और जजमेंट का ही कार्ड आ रहा है, तो आपको यही बोला जा रहा है ना कि इस चीज़ की एनर्जी से बाहर निकले अगर कुछ अच्छा पाना चाहते, क्योंकि अच्छी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में। यहाँ पे 9 of Cups है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे सब कुछ है, बट वो तब आएगा जब आप पास्ट से निकल कर प्रेजेंट पे फोकस करोगे और फ्यूचर का कुछ प्लान करोगे। तो फ्यूचर को प्लान कीजिए, पास्ट की एनर्जी पे मत जाइए, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अगर किसी से मूव आउट हुए हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आप देखना, मैं बता रही हूँ, 2-3 महीनों में आप अपने आप को एक अलग एनर्जी में पाओगे और ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।